आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने अपने प्रतिद्वंदी रहे कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैयाराम लोधी के गृह ग्राम कर्रा में जाकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उनका कुछ समय पूर्व पैरालिसिस हो जाने से स्वास्थ्य खराब हो गया था, जिससे ग्वालियर में इलाज कराकर स्वास्थ्य लाभ अपने गाँव में ले रहे हैं। 2020 के उपचुनाव में दोनों आमने सामने भाजपा कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। पूर्व में दोनों अच्छे मित्र रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि बड़े भाई कन्हैयाराम जी लोधी का अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया था, मैं उन्हें आज देखने आया हूं, अब वो लगभग पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहे हैं, उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए मुंगावली जिला अशोकनगर से इकबाल जमींदार की रिपोर्ट। मेरे बड़े भाई कन्हैयाराम जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे हम दोस्त रहे और आज भी हैं। ठीक है, ये राजनीतिक समीकरण होते हैं, हम भले प्रतिद्वंदी रहें, लेकिन राजनीतिक हमारे जो भी व्यवहार में रहा वो, लेकिन व्यक्तिगत हमारी आज तक ना उनकी मेरी या उनकी कभी कोई बुराई भलाई। जब मैं चुनाव जीता तो तब कन्हैयाराम जी ने मुझे सबसे पहले बधाई दी जीत की, और जैसे ही मुझे स्वास्थ्य का पता चला कि कन्हैयाराम जी का अचानक स्वास्थ्य खराब हुआ, तो मैंने सबसे पहले फ़ोन लगाई, चूँकि उस हालत में वो नहीं थे बात करने में, तो उनके बेटा से, उनके भांजे से मेरी बात हुई और मैंने ये भी कहा कि मेरे लायक, और आज भी कह रहा हूँ मैं तो, कि मेरे लायक कभी भी कोई काम हो, चूँकि जो उनकी सोच है वही मेरी सोच है, कि हम तो चाहते हैं कि मिलकर हम अपने क्षेत्र का विकास करें, लेकिन मैं तो इस वर्ष ये प्रार्थना करूँगा कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। और आज वास्तव में स्वस्थ हैं, अच्छी हालत में हैं, बातचीत बढ़िया कर रहे हैं, और ईश्वर की कृपा रही कि वास्तव में जल्दी वो हॉस्पिटल पहुंच गए, तो उनको स्वास्थ्य लाभ अच्छा मिल गया, तो वे ठीक ठाक भी हैं, और मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों और हमारे बीच में आए, हम मिलकर काम करेंगे,